हेलो गाइस, वेलकम टू वी एन टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों मी 11 लाइट एन ई इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। पहले ऐसी लीक आई थी कि मी 11 लाइट 5G इंडिया में लॉन्च होगा, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि मी 11 लाइट एन ई इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों सब स्पेसिफिकेशन मी 11 लाइट जैसी होगी, सिर्फ आपको प्रोसेसर में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। आपको 5G प्रोसेसर इसमें देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मी 11 लाइट 5G में Qualcomm Snapdragon 780G प्रोसेसर देखने को मिल सकता था, लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो डिसकंटिन्यू हो गया। इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि मी 11 लाइट 5G इंडिया में मी 11 लाइट NE के नाम से लॉन्च होगा, वो भी डिफरेंट प्रोसेसर के साथ। अब इसकी क्या ओवरऑल स्पेसिफिकेशन होगी, क्या प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके चैनल का नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये वाला स्मार्टफोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ इंडिया में लॉन्च होगा उसके बारे में बात करते हैं। इधर 6.5 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 90Hz की रिफ्रेश होगी और HDR 10 प्लस का सपोर्ट डिस्प्ले में होगा। और गोरिल्ला ग्लास वर्जन 6 की प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाएगी। और डिस्प्ले जो आ रही है अच्छी खासी आपको देखने को मिलने वाली है। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इस वाला स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 778G 5G प्रोसेसर होगा, UFS 2.2 स्टोरेज और LPDDR4X रैम का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इस वाले स्मार्टफोन में आपको 64 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा। इसे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 4K 30fps तक आप वीडियो शूटिंग कर सकते हो। आगे की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल की सिंगल पंच होल सेल्फी भी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसमें 4250mAh की बैटरी है और 33W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी कैपेसिटी भी अच्छी मिल जाती है और चार्जर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो स्मार्टफोन है 6.8mm की थिकनेस पर आपको मिलेगा और इसकी जो वेट होगा वो आपको 160 ग्राम्स का ही देखने को मिल जाएगा। तो काफी ज्यादा लाइट वेट और स्लिम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों इधर आपको लेटेस्ट MIUI 12.5 का भी सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल ये स्पेसिफिकेशन के साथ मी 11 लाइट NE इंडिया में लॉन्च होगा। और दोस्तों इसकी प्राइस के बारे में बात करें, दोस्तों मेरे हिसाब से इसकी प्राइस इंडिया में आपको 25,000 तक देखने को मिल सकती है। 25,000 के अब इसकी प्राइस नहीं होगी इंडिया में, लेकिन 25,000 तक आपको मी 11 लाइट NE इंडिया में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी लॉन्च डेट के बारे में अभी तक कोई भी लीक नहीं है ये, लेकिन दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन इंडिया में आपको अगस्त में 3rd या 4th week में देखने को मिल सकता है। तो देखते क्या खास होता है इस वाले स्मार्टफोन में, ओवरऑल कब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता है। तो इतना था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे मोबाइल स्पेसिफिकेशन और अनबॉक्सिंग की वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।